अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज हमने बनाई थी चिकन मलाई हांडी। इसी रेसिपी से आप उसको बोटी की तरह स्क्यूअर्स में लगा के और फिर उसको सेंक भी सकते हैं, तो बहुत मज़े के होते हैं ये। इसके लिए मैंने लिया जी 250 ग्राम चिकन बोनलेस, और उसके ऊपर मैंने ये 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका लगा के और इसको छोड़ दिया था तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, दूसरी तरफ ये आप जो प्याली में देख रहे हैं, इसमें मैंने ली हैं जी 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 प्याज। इसको हम ज़रा से पानी के साथ और ज़रा सा पीस लेंगे, इसको पेस्ट बना लेंगे, लेकिन पानी का कंटेंट जो है ना वो कम जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसको जब स्कीवर्स पे भी लगाते हैं ना तो थोड़ा मसाला चिपका रहा है, ये पिस जाएगा जब इसमें, तो फिर हम इसको इस चिकन जो हमने रखा हुआ है मैरिनेट करके उसमें डालेंगे। उसके लिए हमने जी लिया है गरम मसाला, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च 1-1 टीस्पून, और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक और नमक लिया है, और इसके अंदर अब हम दही दही भी डालेंगे 1 कप, और क्रीम भी जाएगी 1/2 कप। तो ये चीज़ें डाल के और इसको हमने मैरिनेशन के लिए तकरीबन 3 घंटे तो रखा था। अच्छा सा जब तक मैरिनेट नहीं होगा ना तो ये बोटी मलाई की तरह नहीं होगी, तो इसको मलाई बोटी जो बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं कि ये बिल्कुल मक्खन मलाई हुई हुई हो। तो बस ये इसमें दही डाल दिया हमने। अच्छा, बच्चे जो हैं हमारे ज़्यादातर इसमें पसंद करते हैं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है स्किवर्स में लगा हुआ, इसको डंडी में लगा के प्रो के सीख में और वैसे बनाए, लेकिन घर में ज़ाहिर है हर वक्त तो सीखें नहीं बन सकती, तो हम फिर इसको इसको हांडी की तरह बना लेते हैं। अच्छा, हांडी की तरह बनाएंगे तो इसमें फिर ज़ाहिर है हमें ग्रेवी ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो आप उसमें प्याज और दही थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर आपको उसमें ग्रेवी बढ़ानी है। तो ये हमने बनाई तो ऐसे बोटी के लिए ही थी, लेकिन फिर हमने इसको हांडी की तरह ही कर लिया था, आप आगे जाके देखेंगे। अच्छा, नींबू भी डाला है इसमें 1/2 मैंने, और अब हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा, 2-2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद हमने इसको पकाना है। तो 4 टेबल स्पून मैंने पैन में तेल लिया, जितना आप छोड़ेंगे ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ये और मज़े की मलाई हो जाएगी बिल्कुल बोटी, लेकिन हमारे पास टाइम बस इतना ही था तो इस वजह से हमने इसको 2.5-3 घंटे छोड़ा था। अब इसमें बस ये मिक्सर डाल दें पूरा तेल में, धीमी आंच पे, मतलब मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन मैंने 20 मिनट पकाया था। अच्छा, बस इसको ज़्यादा तेज़ कड़क उसमें भी नहीं डालना है इसको, तब फिर ये एकदम से सारा दही एवेपोरेट हो जाता है और फिर ये खुश खुश हो जाता है। बस इसको जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हुआ, हल्का सा बिल्कुल आंच पकड़े और इसमें मसाला डाल दिया ये पूरा, और अब हमने इसको बीच में बस थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है साइडों में से, चूंकि ये पकड़ने लगता है, इसमें क्रीम है तो वो जो है फिर वो जल जाता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा चलाते ना, जब ये इस तरह से हो जाए और इसका तेल ऊपर आ जाए, तो हमने इसके ऊपर अब कोयले का एक धुंगार देना। हमने प्याज का एक टुकड़ा रखा और ये देखते हुए कोयले रखे, और इसी का ऑयल जो इसमें है वो इसके ऊपर डाल दिया, और बस जल्दी से ढक्कन बंद कर देंगे ताकि ये चाकोल का जो है ना इसमें रच बस जाए धुआं। अच्छा, अब हम इसके साथ खाते हैं हमारे बच्चे पूरी। तो ये हमने 1/2 किलो मैदा लिया है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक डाला है और 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाला है, फूली फूली सी बनती है ना, और तेल भी डाला था इसमें 3 से 4 टेबल स्पून, अब फूली फूली बनती है ना इस वजह से हमने इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं। अच्छा, इसको रख दें 1/2 घंटे के लिए आटे को, और उसके बाद फिर हमने इसको बेलना शुरू किया, पेड़े बना लें इसके, और फिर बड़े बड़े, और फिर हमने इसको बेल लिया। पहले मैं क्या करती थी, एक एक पूरी बेलती थी, किसी ने हमें बताया कि एक बड़ी सी बेलें और उसको इस तरह से ट्रायंगल कर लें, 4 निकल आएंगी, तो बस फिर वो जल्दी से 4 पूरियां एकदम तल जाती हैं। शेप का क्या करना है, गोल होना ज़रूरी थोड़ी है, ट्रायंगल भी हो सकती है। तो बस इसको खोलते हुए तेल में डालते हैं और बस इसको हल्का हल्का ऐसे पुश करते जाते हैं, दबाते जाते हैं, तो ये फूलना शुरू हो जाती है, और बस हल्का सा कलर आए और इसको निकाल लें। ज़्यादा जला कड़क करने की तो ज़रूरत होती नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प होंगी तो फिर टूट जाएंगी, इसलिए बस हल्का सा इसका कलर आएगा ना, तो ये इसको बस इस टिश्यू पे निकाल लें, और ये टूटेंगी नहीं, जैसे ये हलवा पूरी वाली होती है ना, ये बिल्कुल ही बिखर जाती हैं, ये टूटती नहीं है।
अच्छा, इसी तरह से हमने पूरियां बना ली थी, साथ में हमने ना इसमें हलवा भी बनाया था। हमारे यहाँ इस तरह के जो ये चीज़ें होती हैं उसके साथ फिर ये एक ट्रेडिशनल सा मीठा बहुत बच्चे शौक से खाते हैं, तो हमने सूजी का हलवा बना लिया था जो कि हमारी अम्मी की रेसिपी है और बड़ी क्विक और इंस्टेंट है वो। अगर आप कभी हमसे कहेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको वो रेसिपी भी देंगे। तो ये बस हो गई हमारी पूरी और अब हम इसको निकाल लेते हैं, रायता बना लें, ग्रीन चटनी बना लें और प्याज और खीरा जो आप सैलेड में खाते हैं तो बनाइए, और ईद पे बनाइए क्योंकि बारबेक्यू वगैरह के दौरान ये एक चिकन का आइटम भी हो तो ये मज़े का लगता है। और ये जी हांडी हमारी निकल आई है, ये हमने एक ये मैट बिछा दिया था और उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें रखनी हैं। ये हलवा है, पीछे दही है, रायता है और वो सलाद का टीवी है। तो बस यही छोटे छोटे से हमारे होते हैं प्रोग्राम बनते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और बहुत मज़े की बनी थी, स्पेशली जी ये जो चारकोल का हम इस पे देते हैं ना थोड़ा सा बारबेक्यू का स्टाइल बनाने के लिए, टेस्ट देने के लिए, वो बस इसका किक होता है, उससे लगता है कि ये वाकई में कोई चीज़ है। तो बनाइएगा और हमें अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।